सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ट्रैकर्स। मेरा नाम है सौरभ पांडे, स्वागत है आपका खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पठानकोट में। अभी हम लोग सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर से हम लोग अभी सीधे धर्मशाला के लिए निकल रहे हैं। 12 बजे हम लोग को वहाँ पहुँचना है, तो हमने सोचा अगर जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, बाद में बीच में खाना वाना कहीं खाएंगे। और अभी अभी बाकी सब जने पीछे लोग टोकले बातचीत कर रहे हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है इस साइड को। तो हम यहाँ करीबन लगभग सुबह 3:30 बजे हम पहुँच गए थे, तब उस लोग यहाँ सो गए थे थोड़ी देर बैठ के। तो अभी जैसे नींद खुली तो हमने मुँह धो के हम सीधे अपने सब निकल गए वहाँ के लिए। तो अभी अपन लोग का ऑटो आ चुका है, हम लोग बैठते हैं यहाँ पर। आधे जने आधे नींद में भी हैं, इससे बैग नहीं पकड़ा जा रहा खाली लिया बैग, एक मेरा बैग टांगा है, स्लीपिंग बैग इसने हुआ है, एक ये बैग है। बाकी और सामान कहा है तेरा, घर निकाला हो गया तेरा, अब कहाँ रहने की सोची है, यहीं बसना चाहती है, कहाँ कहाँ जाना है तेरे को। रिवेशदा क्या हाल है आपके? ये योगी चिंगान रहता हमें ऐसा, इसको पता नहीं क्या रहती है, चिंगान अभी अच्छा मूड है। योगी भाई एक बात सुन, चाय पीने का मन हो रहा ना तेरा, तो अभी पियेंगे चाय, ठीक है? आगे मैं आगे बैठूंगा। तो दोस्तों अभी अपन लोग हैं रेलवे स्टेशन से, हम लोग निकल चुके बस स्टेशन के लिए। यहाँ से ऑटो मिलते हैं आप लोग को, जो मिनिमम किराया है ऑटो का वो है 30 रुपए रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन पर। हम लोग अभी जा रहे हैं ऑटो में। तो यार हम लोग बस स्टेशन पहुंच गए और योगी भाई की तो अलग ही फीलिंग आ रही है। योगी भाई कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा आर्मी कैंटीन एरिया है, और हर जगह के पार्क देखिए, साफ सफाई देखो, मतलब टोटली लिटरली इंडियन आर्मी इज बेस्ट। तो यार अपन लोग जल्दी जल्दी बस ढूंढते हैं और चलते हैं यार, इसके अंदर सामान भी खरीदना है बहुत कुछ। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग सीधे जाएंगे अभी धर्मशाला, और वहाँ हमारा है कैंप, हमारा नेशनल कैंप। तो हमें बस मिल चुकी है धर्मशाला के लिए, और अभी अपन लोगों ने 2 दिन से यार चाय नहीं पी है, और तुम्हें तो पता ही है मैं चाय का कितना शौकीन हूँ। तो 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी, तो अपन लोग को मिली है, टेस्ट करते हैं पठानकोट की बेहतर चाय संदीप भाई के साथ। आ जाओ, अरे 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 आराम से भैया, आराम से, आराम से चल लो, अब चाय पीते हैं। इवन 2 दिन बाद चाय नसीब हुई है अपन लोग को, पीते हैं मस्त से, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं आया मेरे। चाय हाँ आ जाओ। तो कैसे लग रहा है 2 दिन बाद चाय मिल रही नसीब वाली? बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही फीलिंग आ रही तुम्हें? इससे बहुत अच्छी फीलिंग हो रहा है, बेस्ट फीलिंग है। और देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, तो देख ही सकता है, सबकी चाय चल रही है, नैन्सी की अलग ही है। तो कह रहे दूध के साथ बिस्कुट खाने वाल, छोटी बच्ची हो गया, समझ में नहीं आता। अब यार करीबन आधे घंटे से हम लोग खाना आके बस में बैठे थे, थोड़ा गर्म जैसा हो गया यार, क्योंकि जिस बस में हम लोग जाने वाले थे वो बस कहीं और जा रही थी, तो गाड़ी वाले ने हमें उसमें बैठा दिया था कि हम छोड़ देंगे तुम्हें धर्मशाला, ये वो। तो साथ ही हमारे बैठे हैं योगी भाई को, तो बहुत मजा आ रहा है। हल्द्वानी जैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत? मतलब ओवरऑल क्या कहें, अब इंडिया में है तो सबसे घर वाली की इंडिया से एंड स्पेशली पहाड़ों में, बिकॉज वी आर पहाड़ी। तो अपन लोग का सफर शुरू हो चुका है यहाँ से धर्मशाला के लिए, सब जगह बस में एक्चुअल का टिकट कटा लिया है, इतनी बहुत आ रही क्योंकि यार सुबह से अच्छे से सोए भी नहीं है। तो करीबन अभी 12 बजे के बाद अपन लोग धर्मशाला पहुंच चुके हैं, तो अभी बस आ रही है और हम सब जने बस में जाएंगे। अरे मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता इस बारे में, शायद से अपन लोग की बस आ चुकी है। तो अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला के कॉलेज पे, हम लोग को रूम अलॉट हो रहा है, जाते हैं रूम में। भैया जड़ सिंह वालों का स्वागत है, एक देवभूमि से दूसरे देवभूमि पर, देवभूमि उत्तराखंड से देवभूमि हिमाचल प्रदेश। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हितेश। हितेश, और आप वो कौन से कॉलेज से? हम MBBG कॉलेज से। कहाँ पे? उत्तराखंड, हल्द्वानी। हल्द्वानी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को सबको बता था कि हम लोग को हिमाचल आना है और हमारा नेशनल्स है, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं अब हम लोग, और बाकी जने भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बॉयज का हॉस्टल इस साइड का है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग जगह पे है, वो स्टेडियम के पास है, जो धर्मशाला स्टेडियम है उसके पास है, वहां भी हम जाएंगे,
बट अभी हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने है, और एक कॉलेज की कैंटीन है यहाँ पर। और यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ड्रेसअप कैसा लग रहा है, कि आप लोगों ने देखा ही होगा यार हम लोग को। ये लौंडे आज तो खुशी का ठिकाना हुआ है, खुशी हो रखी है, टाइम बाद कैंप जो लिखा हुआ है ये भी बढ़िया है। चलो कोई दिक्कत, खाना वाना देखते हैं अभी, इसके बाद फटाफट खाना वाना खाएंगे, और प्रोग्राम्स जो भी होंगे आपको सब रेगुलर अपडेट देते रहूंगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और अभी लंच टाइम चल रहा है हम लोग का। तो योगी कैसा लग रहा खाना खाने? नेशनल टेस्टी खाना। संदीप How's the juice? आगे वाली जो थी, ये परेशान हो गई मुझे, 6 रोटी सामने नहीं लगी और मेरे को एक ही रोटी मिली बस। कोई नहीं खाओ। तो यार रजिस्ट्रेशन और लंच के बाद हम लोग अब सीधे जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग ग्राउंड पे। अब फ्लैग होस्टिंग होगा, उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी है, देन प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो चलते हैं, बाकी हमारे सारे साथी आगे पे हैं, मैं भी चलता हूँ। तो यहाँ पर सभी जने फ्लैग होस्टिंग के लिए तैयार हैं, बाकी सब लोग भी आए हैं। बढ़िया सी एक्टिविटीज के बाद अपन लोग का अभी हुआ है टी ब्रेक, और हम लोग सब जने टी ब्रेक के लिए जा रहे हैं, और टाइमिंग मिल गया है 5:15 तक का, हमें ऑडिटोरियम में वापस आना है दोबारा से, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। देर में हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और योगी भाई को बहुत नींद आ रही है, नींद मुझे भी आ रही है, संदीप भी अभी सो रहा है, और देवेश दा तो सोए पड़े यार, देखो जरा देवेश दा सो पमको यार, नींद बड़ी बुरी है। सच्ची कह रहा हूँ, सुबह से हम लोग ना अच्छे से नींद सोए भी नहीं है, अभी भी नींद थोड़ी खुली है। ये भी बताइए, हम सुबह से नहीं, हम कल रात से अच्छे से नहीं सोए, यहाँ तक कि मैंने कल रात तक खाना भी आज सुबह 3 बजे स्टेशन में पहुँच के खाया है। पठानकोट पर हम लोगों ने खाना खाया आज सुबह, क्योंकि भूख भी लग रही थी। हमने खाया है ये सौरभ पांडे की जो बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि उसने कल रात को भी खाना खाया और ऊपर से सुबह भी खाया इसने। हाँ गाइस, मैंने 2 बार खाना खाया, बट मेरे को बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाया 2 बार। करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी हम लोग का टाइम हो चुका है खाना खाने का, और करीबन 9:30 बज रहा है यार, और हम सभी जने खाना खाने जा रहे हैं, तो बाकी पूरे कैंप वाले सारे पीछे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।